जो हिंद दोस्त, हम हैं मिठुन दोस्त। आज हम बात करेंगे आलू के बारे में। क्या आप आलू वेट गेन कर ले सकते हैं? क्या आलू किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए? दोस्त, आलू एक ऐसा फूड है जो सबका घर में होती है। आलू के साथ हम दही को मिक्स करके खाने से हमारा वेट गेन फास्ट हो जाती है। दोस्त, अगर आपको वेट गेन करना है तो आप दिन में 3 से 4 आलू जरूर खाओ। आलू के साथ दही को मिक्स करके खाओ। आलू खाने से आलू में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, हाई कैलोरीज। उसके बाद दही का कॉम्बिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। जो पतले लोग हैं उनको वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। और प्री वर्कआउट में आप आलू ले सकते हो। एक्सरसाइज करने से प्री वर्कआउट मील में आप आलू के साथ दही मिक्स करके खा सकते हो। तो आलू को हम बहुत तरीके से खा सकते हैं। सब्जी बना के खा सकते हैं और उबल के खा सकते हैं। और उबल के खाने से बहुत अच्छा होगा। आपको आलू दिन में 3 से 4 आलू खाना है। सुबह को खा सकते हैं, दोपहर को खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं। आलू में हाई कार्बोहाइड्रेट्स होती है, हाई कैलोरी होती है, जो आपके वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स करेगा। जो पतले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा आलू खाने से। जैसे वेट बढ़ाने के लिए हमको चाहिए कैलोरी सरप्लस जाना पड़ेगा। इसलिए हम आलू के साथ दही खाने से हमारा जो कैलोरी है वो डबल हो जाती है। जस्ट वेट गेन करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी सरप्लस होना पड़ेगा। कैलोरी हम जो दिन में 1500 कैलोरी खाते हैं तो हमको 2000 से 2500 कैलोरी लेना पड़ेगा, तो हमारा वेट गेन हो पाएगा। और आलू और दही एक अच्छे कॉम्बिनेशन है आपका वेट गेन करने में। आलू और दही खाओ और बवाल मचाओ।